वेलकम टू DIY वान्या। सबसे पहले मैंने 24 चैन निकाल ली है, अब मैं 3 चैन और निकाल रही हूँ। अब मैं 4th वाली चैन पे टर्न ले लूंगी। अब मैं ये पूरी चैन में 3 नॉट्स लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया, मैं सेकंड रो स्टार्ट करूंगी। स्टार्टिंग में मैंने 3 चेन ले ली है, अब मैं टर्न ले रही हूँ। मैंने अपनी सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है। मैं इसी प्रोसेस से पहले अपनी थर्ड चेन की स्टार्टिंग करूंगी और यहाँ पे 5 चेन निकाल लूंगी। मैंने यहाँ पे 5 चेन निकाल ली है, अब मैं 4th चेन स्किप करके 5th चेन से कंटिन्यू करूंगी। ऐसे ही मैं 6 चेन और निकाल लूंगी। मैं यहाँ पे फिर से 4 चेन स्किप करके 5th चेन से स्टार्ट करूंगी और फिर 5 चेन और डाल दूंगी। मैं यहाँ से अपना 4th रो स्टार्ट करूंगी। उसी सेम प्रोसेस से मैं यहाँ पे भी करूंगी। अब मैंने अपना यहाँ पे 4th रो का एंड कर लिया। मैं यहाँ से मेहरून कलर ज्वाइंट करके 2 चेन निकाल के यहाँ पे 1 चेन करके पूरा कवर कर दूंगी। मैंने मेहरून कलर सारी साइड में लगा दिया है। यहाँ से मैं हाथ बनाना शुरू करूंगी, उसके लिए मैं येलो कलर ज्वाइंट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 4 चेन निकाल लिए हैं। मैंने यहाँ पे ये टर्न ले लिया है। मैं यहाँ पे 3 चेन से पूरे हैंड को कवर कर लूंगी। यहाँ पे ये ज्वाइंट कर लिया है, मैं ये येलो कलर कट कर दूंगी। मेरा ये हाथ बन गया है, अब मैं ऐसे दूसरे हैंड में भी बना लूंगी। यहाँ पे मैंने मेहरून कलर ज्वाइंट कर दिया है। मैरून कलर से मैंने यहाँ पे ये 3 चेन बना लिए हैं। मैं यहाँ से बैक पोज लूंगी। यहाँ पे मैं 2 चेन डालूंगी और फिर यहाँ से मैं फ्रंट पोज लूंगी। ऐसी मेरी हैंड की डिजाइन कंप्लीट होती है। मैं यही डिजाइन दूसरे हैंड में भी बना लूंगी। लड्डू गोपाल की चोली कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल DIY वान्या।